Hello, creative filmmakers and actors. This side, Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili's Films Production in association with Bollywood Ka Halla. यदि आप पहली बार ऑडिशन देने जा रहे हैं तो हफड़ा तफड़ी मत करिए. कहते ना एकदम सर मैं ऑडिशन देना है सर, प्लीज सर मेरे को सर ऑडिशन देना है. सर मैं पहली बार देना है सर, मैं डरा हुआ हूँ सर थोड़ा सा. मैं सर कैसे देना होगा सर ऑडिशन, मतलब क्या है सर? ये दिमाग में चल रहा है आपके सब, यू नो ये सब आपके दिमाग में चल रहा है. यहाँ पर पूरा माइंड एकदम पगला गया है तुम्हारा एकदम देख के भैया. और ऐसा कब होता है? जब हम बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या फिर हमने ऑडिशन नहीं दिया होता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ ऐसा होता है. देखिए मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है. ये मेरे साथ, हर किसी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो इरफान खान साहब रहे हों, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह साहब रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो भैया, सबके साथ ऐसा हुआ होगा 100%. क्योंकि बस जब ऑडिशन वाली बात आती है ना तो हर कोई अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस करने लग जाता है कि नहीं यार मैं कैसे करूँगा. पता क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से होती है कि मैं बहुत अच्छे से करूँगा. और वही एक्सपेक्टेशन जब हम अपने आप से ज़्यादा कर बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत ना हो जाए. और ये सब जो दिमाग में चलता है ना तो उसकी वजह से गलत जल्दी हो जाता है और ज़रूर गलत होता है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा यू नो कहते हैं प्रेशराइज कर बैठे हैं, इतना ज़्यादा बोझा डाल दिया कि नहीं भाई साहब सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, अरे यार घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, अरे मेरे माँ बाप तो ये कह रहे थे कि तू हीरो बनने जा रहा है, अबे मैं कैसे हीरो बनूंगा. देख रहे हो कितने वजन रखते जा रहे हो अपने ऊपर, आप ये वजन रखते रखते अपने आपको दबा देते हैं यार. और उसके चक्कर में जो आपकी हफड़ा तफड़ी शुरू हो जाती है दोस्तों, यकीन मानिए जो हफड़ा तफड़ी हुई है ना इसकी वजह से हुई है. इसको हटाइए पहले, इसको हटाइए. आप अपने लिए आए हैं, अपने आप के लिए आए हैं, अपने आप को समझिए पहले. आप खुद के लिए आए हैं यार, आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना एक्टर बन रहे हो. वो अलग बात है कि लोग देखेंगे, उनको दिखाने के लिए मत करो, आप अपने लिए करो. पहले आप अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि मैं खुद एक एक्टर हूं, मैं एक्टिंग कर सकता हूं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता साहब. मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं डायलॉग पढ़कर मैं वैसा बोल सकता हूं जैसा आपको चाहिए सर. क्यों नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं सर. मैं मेरे अंदर कोई डर नहीं है सर. यस आई एम गुड इनफ टू प्रेजेंट माई कैरेक्टर, प्रेजेंट माई रोल. Whatever you want to decide in me, I will do it my best. I'll do my best, sir, definitely. एक बार सर मुझे मौका देकर देखिए, बस वहीं से आपका काम चालू हो जाएगा जनाब. क्योंकि आप अपने आप को समझ गए हैं, आप अपने आप को जान गए दोस्त. अब पीछे मत हटिएगा, डटे रहिए, लगे रहिए. आपकी तरह के ऑडिशंस को ढूंढिए जहां पर आपकी तरह के ऑडिशंस हो रहे हैं, जहां पर आपकी तरह के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑडिशन हो रहे हैं ना, वहां पर जाइए. फालतू में कहीं और मत भटकिए. अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए. सोचिए कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, एक्चुअली मैं हूं क्या. मैं नॉर्मल कपड़े पहनता हूं तो यस आई एम वेरी नॉर्मल, मेरा फेस एक्सप्रेशन ऐसे है तो मैं ऐसा ही हूं. दोस्त अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है. पहली बार ऑडिशन देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वस आप फीलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लो होगा. लेकिन हर बार ऐसा होगा नॉट पॉसिबल. आपको हर ऑडिशन से कुछ ना कुछ सीखना है, इसीलिए आपको ऑडिशन देना है. खैर आजकल तो शॉर्टलिस्ट ऑडिशन ज़्यादा हो रहे हैं मानता हूँ, लेकिन शॉर्टलिस्ट ऑडिशन भी उनके होते हैं ना जो एक्टर है. तो आप अपना अच्छा सा वीडियो बनाइए, अच्छी सी चीज़ बनाकर भेजिए, कास्टिंग डायरेक्टर को भेजिए, जहाँ पर ईमेल आईडीज मिलते हैं आपको उनको भेजिए प्रॉपर तरीके से. प्रॉपरली काम करना होगा, ऐसे नहीं कह रहे नहीं नहीं साहब ठीक है यार ट्राई कर लेता हूँ, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा साहब. मैं तो हूँ ना अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तैयारी अपना वो कर रहा हूँ तैयारी साहब. तो फिर तो आप एक काम करो भैया, सोचो ही मत इस चीज़ के बारे में. अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, इस लाइन को हल्के में बिल्कुल मत लेना. इस लाइन को अगर आपको लेना है तो पूरी जैसे पढ़ाई करते हो ना, एक से लेके 12 तक, फिर उसके बाद 15 करते हो, मतलब BSc, BA, BCom, BTech, VTech करते हो, उसी तरह से आपको इस इंडस्ट्री को भी लेना होगा. तब जाकर कुछ महसूस होगा कि साहब मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस लाइन के लिए अब कुछ बना हूँ.
दैट इज कॉल्ड परफेक्ट वे टू गो टू बिकम एन एक्टर. ओके गाइज, समझ गए ना आप लोग? पहली बार ऑडिशन देने जा रहे हैं तो अपने आपको प्रेशराइज मत कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने बात को रखने की कोशिश कीजिए सही ढंग से. जो आप हैं वही रहिए, जो आप कर सकते हैं वही करिए. ये 5 टिप्स हमेशा याद रखिए. उम्मीद है कि आप सभी लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ कर बैठेंगे. एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड.